Good evening, students. Today in this plus 2 class of mathematics, I am going to explain exercise 4.4 and 4.5, chapter 4th, determinants of your NCERT book. जो last class में मैंने exercise 4.3 discuss की थी, तो इस तरह से हमारी first जो 3 exercise है वो complete discuss हो चुकी हैं. एक बार आप उनको revise कर लेना. तो लेट अस स्टार्ट एक्सरसाइज 4.4. तो प्लीज़ ओपन योर एनसीईआरटी बुक्स. ये जो एक्सरसाइज है ये हमारी बेस्ड है माइनर्स एंड कोफैक्टर्स पर, ठीक है. तो इसके जो फर्स्ट 4 सम्स हैं वो काफ़ी सिंपल हैं, ठीक है. तो इसका जो है फिफ्थ सम हम करेंगे. फिफ्थ सम में हमें डेल्टा गिवन है एंड ए आई जे क्या है. ए आई जे, कैपिटल ए आई जे इज़ द को फैक्टर ऑफ स्मॉल ए आई जे. तो हमने डेल्टा बताना है किसके इक्वल होगा. तो इसका एक जो फार्मूला, एक मेथड है वो क्या है. यदि हम कोई भी रो या कोई भी कॉलम कंसिडर करते हैं और उसी के कॉरस्पॉन्डिंग को फैक्टर से मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास आंसर डिटर्मिनेंट ऑफ द मैट्रिक्स आता है. यदि हमने मान लो कोई फर्स्ट रो ली है और को फैक्टर हमने कॉरस्पॉन्डिंग को फैक्टर थर्ड रो से इनको आपस में मल्टीप्लाई करके ऐड किया है तो उसका आंसर जीरो आएगा. जैसे कि फर्स्ट चॉइस में हमारे पास हमने रो ली है फर्स्ट, जैसे A11 है, A11, A12, A13 एलिमेंट्स हमारे पास फर्स्ट रो के हैं और A31, A32 और A33 जो कैपिटल्स में हैं ये वाले, ये हमारे पास कोफैक्टर है थर्ड रो के. तो यदि हम फर्स्ट रो के एलिमेंट्स और थर्ड रो के कॉरस्पॉन्डिंग कोफैक्टर से मल्टीप्लाई करके इनको ऐड करेंगे तो इसका आंसर जीरो आएगा. इसी तरह से सेकंड रो में भी ये देखो दोनों मैच नहीं कर रहे, A11, A12, A21 है, तो इसका आंसर भी कितना आएगा, जीरो आएगा. थर्ड रो में भी ये मैच नहीं कर रहे देखो, ठीक है, ये दोनों सेम होने चाहिए, इसका आंसर भी जीरो आएगा. तो डी पार्ट में देखो A11, A11, A21, A21, A31, A31, तो इसका आंसर होगा डेल्टा, ठीक है. तो इस तरह से आपने ये सम करना है. जैसे कि मेरे पास मैंने एक एग्जांपल लिखी है, डेल्टा मैंने लिखा हुआ है, इसका डिटर्मिनेंट ऑफ द मैट्रिक्स क्या होगा आपके पास, 6 होगा, ठीक है. अब मैं क्या करती हूँ, फर्स्ट रो मैंने कंसीडर की है, ठीक है, फर्स्ट रो मैंने ली है. अब इसके फर्स्ट रो के मैं कोफैक्टर्स लिखूँगी, ठीक है. तो कोफैक्टर ऑफ 1 मतलब A11 का कोफैक्टर क्या होगा, A11 इज इक्वल टू, ये प्लस ही आएगा आपके पास, ये 6 आ गया, ठीक है. फिर कोफैक्टर ऑफ सेकेंड एलिमेंट 0 है, A12 का कोफैक्टर A12 होगा ये, क्योंकि 0 यार 0 इंटू कोफैक्टर ऑफ 0 क्या होगा आपके पास, क्योंकि 0 को हमने ये रो एंड कॉलम डिलीट करके हमारे पास बचेगा और साइन आएगा -1 की पावर 1 प्लस 2, ठीक है. इसको डिलीट करेंगे हम सेकेंड रो एंड फर्स्ट रो एंड सेकेंड कॉलम को, तो हमारे पास 4 आ जाएगा, माइनस का 4, ठीक है. और इसी तरह से कोफैक्टर ऑफ थर्ड एलिमेंट 0 के लिए हमने A13 का कोफैक्टर A13 होगा, तो -1 की पावर 1 प्लस 3 मतलब प्लस हो जाएगा और ये आएगा आपके पास 2 माइनस, इसको करना क्रॉस, 2 माइनस 8, तो -6 आ गया, ठीक है. अब हम करते हैं एंट्रीज को और उसको ये जैसे मैंने अभी बताया आपको A11 करेंगे प्लस A12 प्लस A13 करेंगे हम. तो ये किया हमने, A11 हमारे पास 6 है, 6 इंटू A11 कितना आएगा, सॉरी A11 स्मॉल एंट्री 1 है और कैपिटल A11 6 है, प्लस A12 हमारा 0 इंटू -4 है ना, ऐसे प्लस 0 इंटू -6, तो ये हमारा 6 आ गया, ये डिटर्मिनेंट के इक्वल आ गया ना हमारे पास. अब मैं क्या करती हूँ, सेकेंड रो के कोफैक्टर्स लेते हैं हम, सेकेंड रो के 2, 3, 0 के. तो 2 का कोफैक्टर क्या होगा, कोफैक्टर ऑफ 2, 2 हमारे पास लाई कर रहे हैं, मतलब ये है आपका A21, तो इसका कोफैक्टर होगा A21 इज इक्वल टू -1 की पावर 2 प्लस 1, और जिसमें ये लाई करेगा उसको रो एंड कॉलम में लाई करेगा उसको डिलीट करना आपने, तो आपके पास बचेगा 2 इंटू 0, 0 ही बच जाएगा, ये 0 ही आ गया. इसी तरह से कोफैक्टर ऑफ, मैंने लेना कोफैक्टर ऑफ 3, ये एलिमेंट ये एंट्री A22 है, ये A22 हो जाएगा, ये प्लस का ही साइन आएगा, तो 3 का कोफैक्टर क्या होगा, इसको डिलीट करेंगे हम इसको, और इसको डिलीट किया हमने तो ये आ जाएगा आपके पास 2, ठीक है. सेकंड रो कॉलम को डिलीट करेंगे तो ये बचेगा 1052,
तो ये आ जाएगा आपके पास माइनस का टू, सॉरी प्लस का टू आ जाएगा, ठीक है। इसी तरह से कोफैक्टर ऑफ थर्ड एलिमेंट हमारा जीरो है, इज इक्वल टू ए टू थ्री करेंगे तो ए टू थ्री हो गया, तो ये नेगेटिव साइन के साथ आएगा, ठीक है। तो ये इसका जीरो का कितना आएगा आपके पास, इसको डिलीट करेंगे तो ये बचेगा वन जीरो फाइव एंड वन, मतलब ये वन आ जाएगा, ठीक हो गया। अब हम करते हैं ए, मैंने लिया ए टू वन ना, सॉरी ए वन वन ए टू वन, ये चेक करते हैं, प्लस ए वन टू ए टू टू, फर्स्ट रो के लिया और सेकंड रो के कॉरस्पॉन्डिंग कोफैक्टर्स ले रही हूँ मैं, ठीक है। ए वन थ्री ए टू थ्री, ए वन 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 है मेरे पास, ए टू वन मेरे पास जीरो आ गया, ए वन टू जीरो है, जीरो इंटू ए टू टू, ठीक है। फिर ये भी जीरो इंटू माइनस वन, तो ये जीरो आ गया आपके पास। मतलब मैंने क्या किया, फर्स्ट रो ली मैंने और सेकंड रो के कोफैक्टर लिए, जब इनको कॉरस्पॉन्डिंग एंट्रीज को मल्टीप्लाई करके ऐड करेंगे तो आंसर जीरो आएगा। तो ये था हमारा फिफ्थ सम, ठीक है। बाकी के जो फर्स्ट फोर सम्स हैं वो काफ़ी सिंपल हैं, वो आप इसको कर सकते हैं इजीली, कोई ज़्यादा मुश्किल नहीं है। इसके बाद जो एक्सरसाइज 4.5 है, इससे पहले मैं आपको 26 एग्जांपल है वो हम डिस्कस कर लेते हैं, क्योंकि ये भी एक्सरसाइज काफ़ी सिंपल है। फर्स्ट जो इसका 15 एंड 16 सम है आपके पास, सॉरी ये 13 14 15 एंड 16 सम्स, इसके जो तीन चार सम्स हैं वो इसी एग्जांपल पर बेस्ड है, ठीक है। तो ये एग्जांपल हम डिस्कस कर लेते हैं, ये एग्जांपल नंबर है 26, एग्जांपल नंबर है 26, पेज नंबर 131 है एनसीईआरटी की बुक का। तो इसमें हमें ए मैट्रिक्स गिवन है 2 3 1 2, और ये सेटिस्फाई कर रही है इस इक्वेशन को, शो करना हमने ए स्क्वायर माइनस फोर ए प्लस आई इज इक्वल टू, ठीक है। इसके बाद हमने इसको यूज़ करके ए इनवर्स हमने फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो अब पहले हम ए स्क्वायर करेंगे, ठीक है, मतलब मल्टीप्लाई करते हैं इसको, 2 3 1 2 2 3 1 2 माइनस फोर ऐसे करना है आपने, ठीक है, जो कि आप इजीली इसको चेक कर सकते हो। इसको आप मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास ये आ जाएगा 7 12 4 एंड 7, ये आएगा माइनस 8 12 4 एंड 8, ठीक है, प्लस 1 0 0 1। तो इसको आप सॉल्व करेंगे, आप चेक करेंगे, ये हमारा जीरो मैट्रिक्स के इक्वल आ गया, ठीक है। देयर फोर ए स्क्वायर माइनस फोर ए प्लस आई इज इक्वल टू जीरो। अब आपने इन्वर्स निकालने, तो ए स्क्वायर को इस तरह से लिख दे ए इंटू ए, ठीक है, ऐसे लिख सकते हैं इसको। नाउ अप्लाइंग पोस्ट मल्टीप्लाइंग बाय ए इन्वर्स, क्योंकि डिटर्मिनेंट ऑफ ए आपने देखा जीरो नहीं है, तो ए इन्वर्स से हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं, ऐसे पोस्ट मल्टीप्लाइंग कहते हैं इसको। राइट की तरफ मल्टीप्लाई किया ना हमने, तो ये जीरो ही आएगी आपके पास, ठीक हो गया। तो ये बन जाएगा ए इंटू ए इन्वर्स, क्या होता है आइडेंटिटी मैट्रिक्स, माइनस फोर आ गया आपके पास, फोर आई इज इक्वल टू माइनस आई इंटू ए इन्वर्स हो गया, मतलब कि माइनस ए इन्वर्स ही हो गया। तो ए इन्वर्स कितना हो जाएगा, प्लस करें तो फोर आई माइनस ए हो गया, ए आइडेंटिटी मैट्रिक्स इटसेल्फ ही है, बस इसकी वैल्यूज पुट कर दो आप, 2 3 1 2 सॉल्व कर लो आप इसको, ठीक है। तो जो कि आएगा 4 0 0 4 माइनस 2 3 1 2, तो ये सॉल्व करके आपके पास आ जाएगा 2 माइनस 3 माइनस 1 एंड 2, ये ए इन्वर्स आ गया आपके पास, ठीक है। अब इसके जो लास्ट टू सम्स हैं, ये ऑब्जेक्टिव टाइप हैं, वो एक्सरसाइज 4.5 के, ठीक है। तो इसके जो 17 सम है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, वो कह रहा है कि एडजॉइंट ए का ऑर्डर आपको गिवन है 3x3, तो एडजॉइंट ऑफ ए का डिटर्मिनेंट क्या होगा, ये आपको मैंने फार्मूला बताया था कि यदि ए का ऑर्डर आपके पास एन क्रॉस एन है तो एडजॉइंट ऑफ ए का जो डिटर्मिनेंट है वो क्या होता है, डिटर्मिनेंट ऑफ ए की पावर जिसका जितना इसका ऑर्डर है उससे कम कर दो आप, लेस कर दो, तो ये स्क्वायर आ गया, ठीक है। तो इसका आंसर हो गया आपके पास बी पार्ट, ठीक है। नाउ क्वेश्चन नंबर 18, आपको ए इन्वर्टिबल मैट्रिक्स गिवन है ऑर्डर 2 की, तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए इन्वर्स निकालना है आपको, ठीक है, ऑर्डर 2 की मैट्रिक्स गिवन है, ठीक है। डिटर्मिनेंट ऑफ, ये देखो ना, डिटर्मिनेंट ऑफ
ए इंटू ए इनवर्स क्या होगा, मतलब ए इंटू ए इनवर्स क्या होता है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स होता है ना, तो दोनों पे डिटर्मिनेंट लगा दो आप। डिटर्मिनेंट अप्लाई किया तो डिटर्मिनेंट ऑफ आइडेंटिटी मैट्रिक्स तो 1 ही होता है, ये होगा डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ ए इनवर्स हो गया, बस बड़ा सिंपल है। तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए इनवर्स क्या होगा, 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए होगा, यही आपका आंसर है। तो इसका आंसर आ गया बी पार्ट, ठीक है। तो इससे जो नेक्स्ट एक्सरसाइज है वो लीनियर इक्वेशंस पर बेस्ड है, 4.6, तो इसके बाद हम 4.6 डिस्कस करेंगे, तो उसको एक बार आप ट्राई करके आना। तो इस क्लास में बस इतना ही, यदि आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें, एंड इफ़ यू हैव एनी डाउट्स प्लीज़ राइट इन द कमेंट बॉक्स। थैंक यू।